विश्व आदिवासी दिवस पर शुरू हुई राजनीति, आदिवासियों को एक ही दिवस मिला था उसे भी तोड़ने की कोशिश, डॉक्टर वेलाराम गोगरा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कहा कि 1994 में जेनेवा में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा करने के वक्त मुझे प्रस्तावना पेपर पर हुई चर्चा, आम सभा का माहौल देखने सुनने का मौका मिला। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि विश्व आदिवासी दिवस पर विश्व के आदिवासियों को अपने नेतृत्व में, अपने प्लेटफॉर्म से अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को रखने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए यह विश्व आदिवासी दिवस मौका देता है। लेकिन जैसा कि खबरों से ज्ञात हो रहा है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मानगढ़ धाम पर आ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आदिवासियों के अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में एक ही दिन मिला था और उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जय जोहार। 1994 में जेनेवा में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा करने के वक्त मुझे प्रस्तावना पेपर पर हुई चर्चा, आम सभा का माहौल देखने सुनने का मौका मिला। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे, घोषणा के पीछे जो मूल उद्देश्य जो उस समय बताया गया था वो ये था कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन विश्व के आदिवासियों को अपने नेतृत्व में, अपने प्लेटफॉर्म से अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को रखने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व स्तर पहुंचाने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस मौका देता है। आने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर, इस मौके पर देश में आदिवासियों के साथ में किसी भी तरह की घटनाक्रम हो रहे हैं उसको उजागर करने के लिए फलिया, पाड़ा, माझी, परगना से लेकर देश लेवल पर हर सामाजिक संगठन, हर तरह के मंच विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की तैयारी में लग जाएं। राजस्थान के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जब विश्व आदिवासी दिवस यहां मनाया जा रहा था तो भाजपा सरकार ने राजस्थान के अंदर विश्व आदिवासी न्याय दिवस घोषित करके सरकार को पैसा दे करके अपना मंच तैयार किया और दबाव बनकर के उन मंच पर लाने की कोशिश की गई और हमारा जो अधिकार दिया था वो मंच को तोड़ने की साजिश की। और आज विश्व आदिवासी दिवस का विरोध भी किया जा रहा है। वहीं मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं सुनने में आया है कि माननीय राहुल जी और खड़के साहब और अन्य भाजपा के नेता मानगढ़ पर आते हैं, और आते हैं अच्छा है, कहीं भी आए, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता, जो दिन आदिवासियों के लिए मुकर्रर किया गया है, उस समय किसी भी राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता विश्व आदिवासी के दिवस में इस क्षेत्र में या भारत के किसी कोने पर भी मीटिंग आयोजित करता है तो इससे साबित होता है कि आदिवासियों को एक दिन मिला था उसको भी तोड़ने की साजिश की जा रही है। मैं अपील करूंगा उन राजनीतिक पार्टियों के सर्वोच्च आला नेताओं से कि कृपया विश्व आदिवासी दिवस एक दिन हमारे लिए छोड़ दें, हम जो बोल रहे हैं उसको सुने और सुन करके उसका अमलीजामा पहनाए, और जो कानून आपके द्वारा बनाए गए हैं, आपके द्वारा हमारी चिंता की गई है,
उस चिंता के अनुरूप हम नहीं बोल रहे हैं, आपने जो तय किया उसको धरातल पर उतारने की कृपा करें। ये अपील है, निवेदन है, और भारत देश में जो इस तरह का जो वातावरण फैला जा रहा है डीलिस्टिंग के नाम से और कई तरीके निकाल करके अनुसूचित क्षेत्र को नॉन शेड्यूल एरिया घोषित करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि रिजर्व सीटों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, मेरी अपील है कि संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों के लिए जितने भी कानून कायदे बने हैं उसको धरातल पर उतारने की कृपा करेंगे। ये बीजेपी कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं से मेरी अपील है। मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट गांव, गांव की झोपड़ी से, जंगल से ये आवाज आ रही है, इसको जरूर सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय जोहार, जय कुदरत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।